फिर आज सुबह जैसे देखा मैंने, कहा यार ही ब्रोक मी। कल को मतलब भगवान ना चाहे उसके साथ जेन्युइनली कुछ हो जाए, कोई कैसे यकीन करने का बॉडी देख के। कुछ एडवाइस देना चाहोगे आगे के लिए बेचारी? मेक मोर कंटेंट रेगुलरली प्लीज। Now you are alive, do something with it. तो ऐसे देखिए, सोशल मीडिया इज सो वास्ट राइट नाउ, मुझे उस वास्टनेस का केओस ही पसंद नहीं। सो रैंडम, मेरे एक शायरी की पोस्ट आ रही है तो अगली किसी के नाचने की आ रही है। आई कैन नॉट इवन डिसाइड कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। आई एम जस्ट सो लॉस्ट, मैं बस स्क्रॉल कर रहा हूं माइंडलेसली। तेरा उन पे क्या ख्याल है? जैसे इंग्लिश सीट पे कमोड के ऊपर पैर रख लिया, ऐसे बैठते हैं ना चेयर पे जैसे इंग्लिश स्पोर्ट होता है, वो उस पे ऐसे बैठते हैं। टट्टी एक फुट की जगह दो फुट से हो गिर रही है। अब ये सोच कि जब वो नीचे गिर रहा है तो वो कितना पानी फेंक रहा है। तो तेरे को पता है उसके लिए स्पेसिफिक टर्म है क्या? बट स्प्लैश नहीं तो पोसाइडन्स किस। पोसाइडन्स किस क्या? आनंद का प्रतिवाद कैसे इलाज होगा इसका? क्या लगता है तुझे, मतलब कि मतलब क्या फीलिंग क्या रहती है तेरी एकदम से स्टार्ट करने पे कि तू नर्वस हो जाता है? मेरी फीलिंग क्या रहती है पता नहीं। फील होता है तुझे कि तू नर्वस? अंडर कॉन्फिडेंस सा फील होता होगा शायद। पर ये तो मतलब अंडर कॉन्फिडेंट क्यों, ऐसे ही कैसे होएगा? तो अंडर कॉन्फिडेंट अलग होता है, एक लॉस्ट अलग होता है कि मतलब क्या बात कर से स्टार्ट करना। नहीं नहीं नहीं, ऐसे लॉस्ट वाला नहीं, कैसी हल्का सा कॉन्फिडेंस कम लगता है मुझे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द ऑनेस्ट एम। क्या हाल है आप सब लोगों के? हम दोनों एकदम बढ़िया। बढ़िया ही है ना भाई तू? शाबाश, एक और औरत बहुत बढ़िया है। उसके फैंस आकर के तेरे को मारेंगे अगर तू औरत बोलेगा। बोला मार ले वो, क्यों उसी बात कर रहा था ना। हाँ वो तो हाँ, पर उसके फैंस क्यों मारेंगे अगर मैं औरत थोड़ी हूँ? उनके हिसाब से तो हूर की परी है वो। देख, फैन हूँ मैं उसका, था मतलब अब नहीं है। अब नहीं हूँ इस इंसिडेंट के बाद। इस इंसिडेंट के बाद क्यों? शी ब्रोक मी। मैं अभी ना उसकी वो वेबसाइट नहीं है जिसपे उसकी ऐप होती है, जिसपे वो लाइव आती है, उसपे मैं गया था इसी देखने की क्या चल रहा है वहाँ चैटर। तो सबसे पहले सारे मोस्टली कमेंट पे भाई अनसब्सक्राइब करना है क्या, जल्दी बताओ। पेमेंट रोकनी है क्या भाई, बस ये बता दे। अरे भाई, और फिर अब तो ये वो खुश है सबके सब, बस यही तो एक जात है जो खुश है। तो मतलब जो सब्सक्रिप्शन ले रखा है जिसने, उन्हें थोड़ी मतलब है क्या अवेयरनेस है क्या नहीं है, उन्हें तो पूरा मारने मिल गई है उन्हें। वो कैसे उनके लिए तो उनके पैसे अब वसूल हो जाएंगे। वसूल हो रहे हैं उनके तो पैसे। अरे भाई यार, इतना चीप मतलब कि चीप कैसे हो सकता है। आई कैन ओनली इमेजिन कि मतलब वहां पे वो अपने वो सर्विक्स मतलब जो भी वो कैंसर है, सर्विक्स कैंसर, हां उसको तो वो लाइव बता रही होगी ना, देखो यहां पे ऐसे ऐसे अपने पेड सब्सक्राइबर्स को। वहाँ पे तो पूरी अवेयरनेस चल रही हो। जब ये न्यूज़ आई थी तो फिर मेरे को दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये मतलब कि एक थॉट आया था कि झूठ हो सकता है, क्योंकि बस एक स्क्रीनशॉट आया था। पर फिर टाइम के साथ साथ मतलब मुझे लगा नहीं यार, ये ऐसा नहीं हो सकता। नहीं पर वो स्क्रीनशॉट थोड़ी था, उसके मैनेजर ने ऑफिशियली अनाउंस किया था भाई। हाँ मतलब वो लिख के जो भी था, तो फिर वो उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि नहीं हो सकता शायद, ये मजाक कर रही है। पर फिर धीरे धीरे लगने लगा मुझे कि अच्छा ये तो सीरियस है। तो फिर मैं मतलब थोड़ा सैड सा हो गया यार कि 32 साल की थी। जैसे तूने देखा कि न्यूज़ मीडिया आउटलेट भी रिपोर्ट कर रहे हैं, स्पेकुलेशंस चल रही हैं, वो ड्रग ओवरडोज कह रहा है कोई, कोई कह रहा है कैंसर बता रहा है, फिर लोग डिकोड करने में लगे। हाँ, और फिर किसी को कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही, बस उसका एक पोस्ट ही था जो था, मतलब उसके बॉडीगार्ड को भी नहीं पता था, उसकी भी स्टेटमेंट आई थी। ओवर फंक्शन वाला जो है वीडियो वायरल हो रखा है। कौन सा? मुझे नहीं, किसी इवेंट में गई थी वो अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले, उसमें बिल्कुल टिप टॉप फिट है वो। एंड देन पीपल आर स्पेकुलेटिंग कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ना, पर तो वो चोट दिखती नहीं है ना, मतलब कि कैसा लॉजिक मतलब कि दिखती है क्या बता, मतलब कि पता ही नहीं लगता किसी को उस चीज का। अरे तो वो कैंसर है, वो सिर्फ चोट थोड़ी लगी है कोई, वो तो बॉडी पे पूरा है। हाँ हाँ, तो कैंसर की जिसका भी अगर कोई लास्ट स्टेज पे भी है, उसकी तो रेडियोथेरेपी वगैरह चल रही होगी, कीमोथेरेपी उस शक्ल। अच्छा, तो उनका मतलब प्रॉपर वही ट्रीटमेंट होता है जो कैंसर वाले का होता है? कैंसर का क्या मतलब? नहीं नहीं, कैंसर मतलब कि जैसे ऊपर वाला छाती वाला होता है तो फिर उसका कुछ ज्यादा ट्रीटमेंट होता है मेरे ख्याल से। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता कि जो भी उसके जेन्युइन फैंस हैं या जो भी मतलब एंजॉय करते हैं उसका कंटेंट, हो सकता है उनके लिए अच्छी बात हो, बट अगर ऐसे इसको ऐसे ब्रॉड वर्जन में देखा जाए बस उनके लिए अच्छी बात है। मतलब और क्या पता वो भी दुखी हो, क्योंकि वो तो उसके फैंस थे है ना,
मतलब पैसों के मामले वो दुखी होएंगे, पर वो क्या पता एक्चुअली दुखी हो, क्योंकि वो तो उसके फैंस हैं। वही मेरे कहने का पैसे दे रहे हैं, क्या पता उनसे ज्यादा दुखी कोई ना हो। वो तो मतलब डायहार्ड फैंस है ना, अगर कोई पैसे ही दे रहा है मतलब हम तो सिर्फ स्पैंक बैंक पे जा रहे हैं, वो पैसे दे रहे हैं। बट स्टिल फिर आज सुबह जैसे देखा मैंने, कहा यार बहन मैंने बताया था तुझे? हाँ नहीं, उससे पहले मैंने जस्ट देखा था शायद, पता नहीं। ओ नहीं नहीं तू नहीं बताया था भाई, तू नहीं बताया था। मैं उसकी प्रोफाइल पे था एंड मैंने जैसे रिफ्रेश किया एकदम से वो पोस्ट आई उसकी 1 मिनट अगो मेरे सामने जिंदा अच्छा, हुई। अच्छा और तूने लिखा हुआ था आई कोट हर लाइफ। हाँ अगर तेरा ये मतलब था। मैंने जिंदा पकड़ा है भाई, एकदम से जिंदा होगी मेरे सामने वो। अच्छा हाँ हंस के लिए भाई, मैं सही बता रहा हूँ। मैंने रिफ्रेश किया वो जिंदा होगी, ने पोस्ट देखा था वो जिंदा होगी एकदम से। और फिर उस पर कॉमेंट्स आने लगे बहुत सारे फैंस की, अरे मैडम आप जिंदा हो, आओ हिलाने जा रहा हूँ मैं। क्या चल रहा है भाई? मैंने भी एक देखा था कि अभी अभी इसकी वो मतलब कि पूनम पांडे की वीडियो देख के आया था, खड़ा था एकदम से न्यूज सुनी बैठ गया। यार और उस टाइम पे पता है जब मैंने, हाँ तो फिर क्या हुआ कि अब वापस उस टाइम पे जाता हूँ मैं, कि जब मुझे नहीं पता था कि ये जिंदा है, ठीक है। तो फिर मैं जैसे कि कमेंट सेक्शन फिर लोड होने लग गए थे, भयंकर 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 कमेंट्स आने लग गए, ठीक है। अब वो कमेंट सेक्शन में मुझे हंसी आने लग गई स्टार्टिंग में कि यार वो कमेंट्स तो गंदे ही थे कि ये वो अब कैसे कौन देखेंगे, वो अब कौन करवाएगा, ऐसा ऐसा मतलब बहुत लगे हुए थे। मैं सोच रहा कि यार एक लिमिट होनी चाहिए अब तो, मतलब कि कॉमेडी के नाम पे कि कोई मर गया हम उसकी भी ऐसी कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाके। नहीं पर मरा नहीं ना वो। सुन ना सही, पर मेरी नजर में तो मर चुकी है ना। तो फिर मैं उस टाइम पे सोच रहा था कि ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है। हाँ, ट्रोलिंग कि हम भी कहीं ज्यादा तो जोक नहीं मारते हैं, हमें भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करना चाहिए कि जोक के नाम पे हम कुछ भी बोल देते हैं। देखो भाई ऐसा सुनो, इसका सीधा सीधा यही जवाब है, अगर आप अपनी मौत फेक कर सकते हो तो कोई भी जोक छोटा नहीं या बड़ा नहीं। ऐसे उसने आज मुझे गलत प्रूफ कर दिया ना, तभी तो मेरे मुंह से निकला होगा तो इसने तो और बिगाड़ दिया है समाज को भाई। अब देखना उसने एक नया ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है। I wouldn't call it a trend. वो ट्रेंड है अब, पता नहीं कितने दिन और चलेगा। पर मेरे कहने का मतलब है कि मैं जैसे मैंने बोला ना कि इट्स अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, उसने जो करना चाहा था वो उसने हो वो गया, कर दिया वो न्यूज में। 1 तारीख को सर्वाइकल कैंसर गूगल पे पूरे इंडिया में नंबर 1 टर्म थी। डॉक्टर क्यूटर शाम को उसने वीडियो लाइव भी आ गई, ट्रेंड मतलब नंबर 1 वर्ड था पूरे इंडिया में, सबसे ज्यादा यही सर्च हुआ। और हाँ अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसका तो काम हो गया, काम हो गया, ब्रांड का काम हो गया। हाँ तो अवेयरनेस मिल गई, उसको एंगेजमेंट मिल गई, उसकी पेमेंट आ गई। और ये एक अच्छा भी है, मतलब कि अच्छा मतलब कि अच्छे कोर्स के लिए, सिर्फ यही एक पॉजिटिव है उसमें। नहीं पर वही है ना कि फिर वही बात है यार, आपके करने का तरीका मैटर करता है ना। मेरे को समझ में आता है कि आप अभी तो वही जस्टिस वाली बात हो गई कि कोर्ट में नहीं दे पाए तो मैं गोली मारी आया उसको, तरीके की बात है ना। आप कोर्ट जाओ, आप अच्छे से केस लड़ो, कोर्ट में प्रूफ करो, फिर उसको एग्जीक्यूशन दो, तरीके तरीके की बात है ना। आपका एंड गोल ऑफ कोर्स मैटर करता है, बट इवेंचुअली तरीके की तो बात होती है कि आप किस तरह उसको अचीव कर रहे हो, कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो। आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो आसान शब्दों में, तुम्हें अब तुम कह रहे हो जैसे ट्रेंड हो गया, तो आपने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि हाँ भाई ये करके भी अचीव किया जा सकता है, है ना। ये अब नॉर्मल है, अब ये नॉर्मल कर देंगे लोग। अब कोई भी हो जाए, कल को मतलब भगवान ना चाहे उसके साथ जेन्युइनली कुछ हो जाए, कोई कैसे यकीन कर लेगा। मैं तुझे बताना चाहूंगा बॉडी देख के ही लोग रुके हुए हैं उसकी। तो मतलब तो समझ रहा है, सोशल मीडिया इज अ वेरी क्रूअल प्लेस। तुम सोशल मीडिया पे इस तरह काम करते हो ये मतलब ऐसे प्रवृत्ति के, और फिर उसके बाद तुम बोलते कि सोशल मीडिया इज अ वेरी टॉक्सिक प्लेस। तुमने खुद बड़ा अपना स्टेज बनाया, तुम खुद चढ़ गए, उसके बाद जब दूसरे अपना स्टेज बना करके तुम्हारे बराबर में खड़े हो गए तो तुम बोलने लग गए अरे यार ये तो हेट ट्रोलिंग, दैट्स नॉट फेयर। यू हैव टू ओन द आर्ग्यूमेंट। अगर उसको लग रहा है कि उसने अवेयरनेस क्रिएट करी है तो देर इज ऑल्सो ए वेरी बिग लार्ज ऑफ पब्लिक जो बिलीव कर रही है कि दिस वॉज डन इन ए रॉन्ग वे। तो आपको वो भी सुनना जरूरी है। आप बस ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने तो अपना वो गोल अचीव कर लिया, मेरा तो हो गया काम, दैट्स नॉट इनफ। क्या ऑडियंस है उसकी, मुझे भी पता है, वो 18 से 21, 22, 23 वो सारी एज ग्रुप के भाई, सारी वो तो ऐसे लगता है भाई 2011 के वर्ल्ड कप से है वो ट्रेंड में। ये वही है ना जिसने वहां पे वो किया था टॉप, बोला था कि मैं वहीं पे कपड़े उतार दूंगी, नहीं नहीं कि मैं न्यूड फोटो वो फोटो पोस्ट कर दूंगी, ऐसा कुछ था। हाँ उल्टी लेट के चूतिया बना दिया था।
नहीं मतलब कि कुछ एंगल ऐसा था कि बस साइड साइड से दिखा। मेरे कहने का मतलब ये कि आपको देखना चाहिए आप किस तरह करें। और फिर मेरे कहने का मतलब है कि ब्रांड एजेंसी को खुद भी पता होना चाहिए यार, कोई जेन्युइन फैमिली जो है इस प्रॉब्लम से जूझ रही है। हाँ, मतलब कि हाँ, लग रहा होगा हाँ, कि अभी उनके लिए भी कितना मजाक बना दिया कि इसने बना दिया। मतलब इट्स जस्ट सो इनसेंसिटिव इन द वे। अभी मैं देख रहा था ट्विटर पे एक बंदा है टेक कम्युनिटी में, उसके भाई को भी कैंसर है एंड वो बता रहा कि जब मेरे को, मैं ऑफिस में बैठा था जब मुझे ऐसे न्यूज़ मिली, तो जब उसने पढ़ा कि कैंसर की वजह से उसकी डेथ हो गई है, तो उसने बोला कि मेरा पहला रिएक्शन ये था, अरे यार मतलब 32 साल की थी यार, मतलब कि हाँ दिस होल बीमारी सो क्रूअल कि इतनी बड़ी इतनी छोटी एज में भी लोग जा रहे हैं। मैं अपने ऑफिस में भाई सबको यही बता रहा था कि यार 32 साल में चली गई। मेरे कहने का मतलब उसका जो भाई है ना, उसके भाई को थ्रोट कैंसर, वो खुद जूझ रहा है, एम्स में चक्कर लगा रहा है। अब तो सोचिए मतलब जो भी फैमिली जेन्युइनली इस प्रॉब्लम से डील कर रही है उनको कैसा लग रहा होगा। आप सब कुछ सिर्फ क्लाउड के लिए नहीं कर सकते भाई यार। पर मेरे कहने का मतलब ये कि हमें क्या यार, ना तो मैं तो बस सही में बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मतलब कि यार सही में यार एक नंबर की यार दुख हुआ यार सही में। ये इसका भी लो का ही लो है भाई। नहीं पर उसका तो लो मेरे को अभी उसका लोएस्ट तो मतलब वही डिसाइड कर सकते क्या कह रहा अभी भी स्कोप था मतलब मैं तो मतलब बहुत छोटा आदमी हूँ। किस दिन फ्यूनरल में से ही निकल जाएगा मिट्टी में से, मैं छोटा ये अवेयरनेस क्रिएट कर रही थी मैं तो। मतलब आपको देखना चाहिए अगर आपके पास इतनी अच्छी फॉलोइंग है, आपके पास एक प्लेटफॉर्म, एक दो तीन प्लेटफॉर्म है भाई इसके पास, तो चार पाँच मतलब जितनी पोर्न साइट है सब पे तो है ही। मेरा मतलब इंस्टाग्राम से था बट ठीक है कोई बात नहीं, आई गेस प्लेटफॉर्म तो प्लेटफॉर्म है। हाँ, हाँ। और उसका मेन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन तो वही है ना। हाँ करेक्ट, विदाउट सेइंग एनीथिंग ओनली आ आ आई 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 टसल की वो बोलने में काउंट होता है या नहीं होता। और पता है इस सब के बीच में मुझे दिमाग में आ रहा कहीं सैम बॉम्बे की सारी कंट्रोवर्सी चलती रहती थी ना, वो इसका हस्बैंड वगैरह था। अच्छा वो जिसके साथ उसका एमएमएस लीक हुआ था। हाँ वही वही उस टाइम पे मेरे दिमाग में चल रहा कहीं इसकी वजह से तो नहीं, मैं कहा यार साला बेटी चोर इसीलिए छोड़ा होगा इसने इसे, तो यार मेरे सारे समीकरण बिगाड़ दिए एकदम से आज। इसमें कुछ ये कुछ ना कुछ हरकतें करती है, इनने उसका भी कुछ बनाया ही होगा। देख यार इसने कितनी हेट फैला दिया ना मेरे मन में अपने लिए। पर कोई नहीं तू तो हेट बहा देगा, पूरा इंटरनेट बहा रहा है अब तो भाई साहब, सबने कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया था एकदम। मेरा मतलब मेरा तो ऐसे देख कि इसका इलाज ये है कि आप क्लाउड ही मत दो ना, आप ना इस बारे में डिस्कस करो, क्लाउड ही मत दो। हमने पॉडकास्ट बनाने बैठ गए और मैं तो बता रहा हूँ ना लोगों की मत करो, आई एम डूइंग द क्राइम सो दैट यू डोंट हैव टू। ऐसे कंटेंट बनाएंगे अब, यस ऐसा उसका कुछ ऐसा उसको टैगलाइन तैयार करनी चाहिए, माधुरी ने क्या ही दिलों पे राज किया हुआ जो पे करती हूँ। और कुछ एडवाइस देना चाहोगे आगे के लिए बेचारी को एज अ फैन, डाई हार्ट फैन, मेक मोर कंटेंट रेगुलरली प्लीज, नाउ यू आर अलाइव डू समथिंग विद इट, अपनी जिंदगी का अच्छा यूज करो अब है। इन गालियों का मतलब कि यही है पश्चाताप, इन गालियों का पश्चाताप यही है हमारे आगे पश्चाताप करना है। तो एक मैंने चीज सोची थी कि जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स के पास मैड फॉलोइंग है, पूनम पांडे ले लो, एलविस यादव ले लो, कोई भी ले लो, है ना, लाखों लाखों लोग आ जाते हैं मीटअप करने, एक फ़ोन पे फॉलो करते हैं, कमेंट करते हैं, दुनिया भर की रीच बढ़ा देते हैं, ठीक है। और वहीं हमारे एथलीट्स हैं तो फिर उनके पास वो रीच नहीं है, ठीक है, वो इतना मतलब कि उनके लिए इतना वो भी नहीं है वेलकमिंग, वो जैसे कि अभी मुनावर फारूकी कैसे बिग बॉस जीत के आया तो फिर सड़कें जाम हो गई, ठीक है, ये उनके लिए अच्छा है, इन्फ्लुएंसर्स के लिए सही है, पर एथलीट्स के लिए अगर अच्छा नहीं है तो प्रॉब्लम मतलब कि जनता में है, मतलब कि हम में जो भी है जो फॉलो करते हैं, क्योंकि क्या है कि अब तुम उन्हें ना उन्हें फॉलो करना भी ठीक बात है, पर इन्हें फॉलो करना बहुत अच्छी बात है ना, एथलीट्स वगैरह, हाँ एथलीट्स को। तो फिर अब इस पे मैं आगे का प्रोसेस सुना, अब मैं दिमाग में घुस गया था किसके कि क्यों होता है ऐसा। अच्छा अच्छा लोगों के दिमाग, हाँ क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स क्या है अपना कॉन्टेंट पुश करते हैं, वो बनाते जो जनता को देखना होता है, वो जनता के आगे जाके खड़े होते हैं स्क्रीन पे,
तो हमारे लिए आसान होता है एज अ ऑडियंस, क्योंकि कोई मेहनत नहीं है, हमारा सामने कंटेंट आ रहा है, एंटरटेनमेंट आ रहा है। अब एथलीट्स क्या है, वो अपनी मेहनत कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वो इतना अपडेटेड नहीं रखते अपने सोशल हैंडल्स को इतना, मतलब कि ऑडियंस जिससे कनेक्ट नहीं हो सकती। पर एज अ ऑडियंस मतलब कि हमारे पास तो चॉइस होती है ना कि हम किसे फॉलो करें, क्योंकि एथलीट्स को फॉलो करना मुश्किल है क्योंकि उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे, थोड़ी न्यूज़ देखनी पड़ेगी, ऐसा ऐसा। देखो क्या होता है, सोशल मीडिया पे आप दो तरीके की रीच होती है, एक क्वांटिटी और एक क्वालिटी। क्वालिटी पे हमेशा कम बंदे होते हैं पर होते हैं। हाँ, देयर इज योर आंसर। जो बंदा जेन्युइनली अपने टैलेंट की वजह से है उस 1,00,000 फॉलोइंग पे भी वो उसके लिए इनफ, क्योंकि वो कभी नंबर्स के लिए करेगा ही नहीं। वो जेन्युइनली कोशिश करेगा कि मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जेन्युइनली अपने फैंस, अपने दोस्त, अपने जानने वालों से इंटरेक्ट करूं, और उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि वो अपने गोल को अचीव करने में इतने, क्योंकि उनका गोल वो नहीं है ना, उनका गोल है अपना खुद का पैशन जो वो है, जो किसी भी तरह का एथलीट ले लो, किसी भी तरह का स्पोर्ट्स ले लो, वो है उनका गोल। और ऑडियंस के लिए फिर यही आंसर है ना कि तुम्हें तुम्हारे भी गोल क्या होने चाहिए। मतलब ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, ऑडियंस को ऐसे एडवाइस देना कि तुम भाई इन लोगों को ज़्यादा फॉलो करो, ठीक है, पर मैं इसमें पर्सनली बिलीव नहीं करता। आई एम नो वन टू टेल एनीवन कि आप किसको फॉलो करो और किसको ना। वो अपनी पर्सनल चॉइस है यार। अब तुम ऐसे देखना है यार कि मैं, तू 9 to 5 वाले को ले लेगी रेगुलरली, तू भी कर रहा है, और ऐसे देख कि मैं, हर एक के लिए एंटरटेनमेंट अलग होता है। अगर किसी के लिए एंटरटेनमेंट पूनम पांडे का कॉन्टेंट है, या किसी के लिए एंटरटेनमेंट नीरज जो अपना वो चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा जी है, उनके उनका ले लो, वो एंटरटेनमेंट मतलब कि वो उनका रुचि है, समझ रहा है? तो आप ऐसे इसको ऐसे देखो, आपको बस इतना समझना है कि उनका वो गोल नहीं है, इनका यही गोल है, क्योंकि इनका नंबर वन गेम है रेलेवेंस। जब तक ये रेलेवेंस है, ऑडियंस के साथ कनेक्शन है, तब तक ये जिंदा है। जब तक इनकी ऑडियंस कम होती रहेगी, इंगेजमेंट कम होती रहेगी, ये इरेलेवेंट है, काम नहीं हो पाएगा, काम मिलेगा नहीं। तभी तो ये क्या होता है, लोग अपना ऐसे ही तो करते हैं ना। अब जैसे ये न्यूज़ में नहीं थी, अब ये न्यूज़ में रहेगी 1 महीना। सही कह रहा है, 1 महीना ही न्यूज़ में रहेंगी अभी मैडम, और ऐसे होता है ये। और पर्सनल का मतलब ये कि यार अब कोई, और इस गेम के चक्कर में देखना कितना, मतलब कि किस डिग्री तक लोग जा सकते हैं। वही मैं तेरे को कह रहा हूँ ना, क्लाउट एक बहुत ही ईविल चीज़ है यार, बहुत कुछ करा सकती है लोगों से वो। या मैन, या मतलब समडे मे बी आई वुड डू समथिंग लाइक दिस मे बी, बट मुझे लगता नहीं, मतलब मेरा मोरल कंपास मेरे को ऐसे अलाउ करेगा यार, मतलब मैं ऐसे कर। सही में तू कर लेगा कभी ऐसे? तेरा लोएस्ट क्या है, तू लोएस्ट क्या कर सकता है? टांग टूट गई, हाथ टूट गई, मेरा लोएस्ट झूठी लड़ाई कोई, मे बी बीफ ऐसे क्रिएट कर लूँ जस्ट टू गेट द एंगेजमेंट ऑन बोथ साइड्स। मेरा लोएस्ट क्या हो सकता है? और कोई लोएस्ट, प्लस मेरे को तो सोशल मीडिया इज जस्ट सेसफुल ऑफ इंसेस यार। मतलब द मिनट यू वॉक इनटू इट, यू हैव नो आइडिया व्हाट यू आर वॉकिंग इनटू। मतलब आपको पता है आप किस में उतर रहे हो, पर आपको उतरने के बाद भी नहीं पता है क्या हूँ मैं। कैसे समझा नहीं, पता नहीं। मतलब तो ऐसे देखिए, सोशल मीडिया इज सो वास्ट राइट नाउ कि मुझे उस वास्टनेस का केओस ही पसंद नहीं, सो रैंडम। मेरी एक शायरी की पोस्ट आ रही है तो अगली किसी के नाचने की आ रही है, आई कैन नॉट इवन डिसाइड कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, I'm just so lost, मैं बस स्क्रॉल कर रहा हूँ माइंडलेसली। मेरे में तो एक तरह की आती है। तो मतलब तो समझ रहे, मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे को वो क्योस नहीं चाहिए अपने दिमाग में कि मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ यार। आई वॉन्ट टू डिसाइड कि मेरे को क्या पसंद है, एंड देन आई वुड डू, एटलीस्ट सम कंट्रोल। मेरे को तो पर मजे आते हैं कभी कभी स्क्रॉल करने में कि आधा घंटा मैं पढ़ा हूँ, मस्त बैच। वही एग्जैक्टली माय पॉइंट, जैसे मैंने बताया ना कि यू, मतलब मैं किसी को खुद नहीं बोल सकता है कि तुम ये मत करो या ये करो, दिस इज फनी कंटेंट। क्या हले कि अपने प्रेफरेंस, अब यार कोई बंदा परेशान है अपनी गंदी सी नौकरी से करके आ रहा है, उसके बाद भी 15 मिनट का अगर उसको फन नहीं मिल रहा तो क्या ही करेगा वो। अब वो उसके बाद भी जाकर के किसी एथलीट का मैच थोड़ी फॉलो करेगा। मैं तेरे को एक रील दिखाना चाह रहा था। ये एक रील है भाई, ये भी हाल ही में एक बंदा है, कॉमेडियन निमेश पटेल नाम है इसका। ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, इसने ना हाल ही में एक स्टैंड अप में, अभी हाल ही में इसका स्टैंड अप हुआ, उसने ये रील डाली थी।
people make fun of Indians. They say, you guys got a monkey god. It's true, we do have a monkey god. His name is Hanuman. I researched his origin and his story. His mom was a goddess. And she was walking, and she saw this sage, and she made fun of the sage, and the sage was like, you know what? I'm going to curse you. You're going to turn into a monkey, and your firstborn is going to be a monkey man. And he was born. And because his dad was pissed that he was a monkey man, he said, you know what? All the other gods, you curse my son, you're going to make Hanuman invincible, immortal, and have the strength of a million people. And he was also known as a celibate. Celibate का मतलब क्या होता है? Say, okay. The first two make immortal, invincible. That's cool. That's on purpose. I think celibate was not a choice. I think Hanuman might have been the first incel. You know how hard it is to get woman with monkey face? Hey baby, I'm immortal, I'm invincible. मैं तो इसे play भी नहीं करना चाहता. ये बहनचोद क्यों है ये ऐसे कॉमेडियन? He is Nimesh Patel by the way. बस मैं यही नहीं समझ पा रहा कि लिमिट क्या है कि ये साले मतलब कि फ्लैग्रेंट जो पॉडकास्ट है उसमें भी ऐसी जोक चलते रहते हैं. काली माता के हाथों के ऊपर ऐसे कोई जोक मारा आते हैं. उसने अभी एक स्टैंड अप में भी ऐसे ही जोक मारे हैं. फिर अब ये वाला रील. ओ भाई मतलब कि मेरा तो दिल सा दुख जाता है ये देखते ही कि अगर ये कॉमेडियन तो फिर इनको फिर रिसर्च भी तो करनी चाहिए ना. इस हिसाब से क्या लगता है मतलब कि फिर मैं सोचता हूँ कि इन धीचोतों में तो कुछ है ही नहीं. इनका तो कोई कल्चर ही नहीं है. मतलब कि ये तो कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं करते किसी और के कल्चर की है ना. इनके अंदर सब वही फिर वही बात आ जाती है ना. जोक्स की लिमिट क्या है कि तुम कब तक सेंसिटिव रहोगे कि फिर तो पूनम पांडे का ये पोस्ट करना भी सही था है ना. ये लिमिट क्या है साली. मेरा जेन्युइन थॉट ये है जैसे मैंने तेरे को पहले भी कहा था. यू डू नॉट कमेंट ऑन समथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड. अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आपको उसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं कि बस गूगल करा कि हनुमान जी की मतलब कि कैसे क्या प्रोसेस था और उसके ऊपर जोक्स सुनाने लग गया. जोक्स सुनाने लग गया एंड इट्स नॉट इवन जोक. इट्स लाइक हाउ हार्ड इट इज टू गेट अ पुसी व्हेन यू आर इनविंसिबल एंड अ सेलिब्रेट. आई गेट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से बट दोज वर्ड्स आर वेरी इनसेंसिटिव फॉर अस. ऑफ कोर्स मतलब हमारे लिए तो है ही. पर मेरा अभी भी यही सवाल है जैसे उस दिन लीविया भी कहते हैं ये सिर्फ हमारे ही कल्चर को फिर क्यों बनता है ये. और मैं बताता हूँ क्यों बनता है. क्योंकि हम बहुत फॉरगिविंग मतलब ऐसे बहुत फॉरगिविंग लोग हैं. बहुत फॉरगिविंग पर किसी की हिम्मत हो. मुनावर फारूकी का भी तो यही हुआ था ना. देखा तूने उसका वाला स्टैंड अप. जोक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं बहुत मॉडर्न लिबरल हूँ. मैं बहुत अच्छे से थॉट्स और जोक्स ले सकता हूँ. बट मैं सिर्फ अपने लिए जोक नहीं ले सकता. फिर तुमको सबको इंक्लूड करना है भाई. कि तुम फिर सारे तरह के जोक्स तो मार सबको लो तुम. फिर सिर्फ मेरा नहीं रहना चाहिए कि मतलब सिर्फ मेरा रिलीजन मान लो. चलो तुम अगर ये बात रिलीजन को कहते हैं ना कि तुम तो रिलीजन की बना रहे हो. आई डिडंट स्टार्ट इट ही स्टार्टेड इट. ठीक है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हाँ कि मतलब कि उस तरफ कम जोक्स जाते हैं क्योंकि तुम्हारी फटती है. क्योंकि तुम्हारे को पता है ना और तुम्हारी हाँ तुम्हारी गांड में डंडा डाल दिया जाएगा अगले दिन ही. क्या अभी सऊदी से बमारे हैं तेल बंद हो रहा है. अगले दिन ही तुम्हारी बराबर में सुसाइड बॉम्बर बैठा है. तेल बंद हो रहा है वो भी 13 साल का. द गाय वॉन्ट इवन नो व्हाट हिट हिम. और मतलब इसीलिए तो मैंने तेरे को कहा हम बहुत फ्रीविंग लोग हैं यार. हम सुन लेते हैं. हम कहते हैं चूतिया भैंगड़ा कॉमेडियन जोक मारा और सऊदी अरेबिया में फतवा जारी हो रहा है. मेरा जेन्युइनली क्वेश्चन ये है कि अगर तुमको जोक मारना है तो सबको इंक्लूड करो. फिर मैं मान जाऊंगा तुम्हें. हाँ भाई ठीक है तुम बहुत बड़े लिबरल हो और तुम्हें जेन्युइनली अच्छा. और फिर एक स्टैंड अप का क्या मतलब. एक स्टैंड अप कॉमेडियन का सबसे बेसिक चीज क्या है. जोक अच्छा होना चाहिए. और सबको हंसी आनी चाहिए. हंसी आनी चाहिए सबको. आपको हंसी आनी चाहिए. ठीक है. आपको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि यार पता नहीं क्या है. जो ठीक है जोक मारने की तू कोशिश कर रहा है पर सक्सेसफुल तो हो उसमें. अब ये भाई साहब जैसे
इसने ये जो है ये इंडिया में कभी मुझे लगता रहा नहीं, इसका एक्सेंट भी वैसा ही है पूरा, कभी नहीं रहा। तो मैं इसके कमेंट सेक्शन में गया, तो इसके कमेंट सेक्शन में एक ही कमेंट था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वीरदास अच्छा लगने लगा मुझे। वीरदास तो अच्छा है, वीरदास फिर भी बहुत बहुत अच्छा है अपने वर्ड्स के साथ। वीरदास बहुत आर्टिकुलेट है, वो समझ में नहीं आता ये, ही इज वेरी गुड विद हिज वर्ड्स। अगर उसको कोई पॉइंट मतलब ऐसे अक्रॉस योर पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचाना है देन ही इज वेरी केयरफुल विद इट, वो जो करेगा। और मुझे लगा उसको अनवांटेड हेट भी बहुत ज्यादा इसीलिए मिलता है क्योंकि उसका पूरा क्लिप नहीं देखते हैं। हाँ, उसका एंड तक हिसाब किताब नहीं देखते हैं। और वो होता है ना कि एक क्लिप देख ली और उसको वो वायरल हो गई और फिर वो उसी का ओपिनियन बना दिया। उसके जोक्स ऐसा होता है ना कि वो पूरा 40 मिनट के बाद ही तुम्हें उसका कंक्लूजन मिलेगा। अब जैसे इस पे भी लोग बोल रहे हैं कि कमेंट सेक्शन में एक कमेंट था, सबसे पहला कमेंट था वही मुझे अच्छा लगा उसमें, मतलब ये था कि उसने जवाब भी दे दिया और उसने कुछ कहा भी नहीं। उसने कहा कि इसके जैसे कॉमेडियंस हैं जो चार वेस्टर्न्स को इम्प्रेस करने के लिए ये बकचोदी करते हैं स्टेज पे जाके, और इन्हें लगता है ये बहुत कूल है, बहुत वैलिडेशन ले रहे हैं, वेस्टर्न वैलिडेशन जोक मार दिया। हां वेस्टर्न वैलिडेशन का देखो क्या मजा आ रहा है, कान फाड़ दिया हमने एक पूरे देश पे जोक मार के। तो कमेंट में फिर नीचे वॉर चल रही थी, तो इसने फिर पिन करके कमेंट किया कि अगर तुम अपने लेजेंड पे इतना विश्वास रखते तो भगवान देख लेगा मुझे, तुम अपना चिल करो, इसे दिखा देंगे कोई। मैं सही बता रहा हूं, इतना विश्वास है तो तुम लोग चिल करो और मेरे को डीएम में गालियां मत, इसने यही लिखा। तो मतलब हाउ सही है वो अपने दिमाग में, हाउ डम डू यू हैव टू बी, और वो सही है अपने दिमाग में भाई, है ना, यही तो प्रॉब्लम है ना इन लोगों का। सब सही है, पूना पांडे भी सही है, ऐसे तो सभी सही है, सभी सही है, ऐसे तो सभी सही है, नंगे वो हैं जो सड़कों पे फिर अभी हिला दूं कैमरे पे, मैं भी सही हूँ। हाँ सही है, है नहीं भाई। पर मेरे कहने का मतलब मेरा अभी भी यही शिकायत है कि अगर तुम जोक बना रहे हो कट करना पड़ जाएगा। मेरा अभी भी ये सबसे बड़ा यही है कि मैं मान जाऊंगा तुम बहुत बड़े लिब्रांडू हो, अगर तुम मेरे वर्ग के बाद यानी कि मेरे रिलीजन के बाद अपने वाले के बारे में भी ऐसे ही चार जोक मार, मैं मान जाऊंगा। और ये ट्रेंड कौन सा चल रहा है, दी ऑरेंज पील टेस्ट? हाँ वो बंदे वाला है ना, केयर करने क्या? वाला वो उस लड़की बोलती है कि तुम मेरे को ऑरेंज खाने का मन कर रहा है, तो वो टेस्ट कर रही है कि मेरा बंदा मेरे को छील के देगा या नहीं देगा, या घर में संतरे हैं तो क्या मेरे लिए लाएगा नहीं लाएगा ऐसा कुछ। अच्छा अच्छा याद आ गया मुझे कि अच्छा वो संतरा मांगती है तो मुझे छील के देता कि नहीं देता, तो इससे बंदा ग्रीन फ्लैग है कैड़े वाला। अगर वो तुम्हें संतरा छील के दे, भले ही नहीं संतरे छीलते टाइम ही चार रैपट पढ़ ले। संतरा तो नहीं छील पाऊंगा पर तेरा मुंह जरूर छील लूंगा। खैर हम टॉक्सिसिटी पे बात कर रहे हैं, तो मैंने अभी एनिमल देखी थी। तो आई एम सो फकिंग डिसअपॉइंटेड बाय दैट फिल्म। अच्छा तूने अभी देखी एनिमल? हां मैंने अभी दो दिन पहले। आई एम सो फकिंग, इट इज अ मोन्यूमेंटल फेलियर। कैसे? इवन इन फिल्म मेकिंग। कैसे? ओह भाई इट्स अ मोन्यूमेंटल फेलियर। कैसे भैया कैसे? बॉबी देओल का कैरेक्टर जो है ना वो सिर्फ हाइप पे हिट हुआ। दैट कैरेक्टर हैज नो डेप्थ। ये मैंने वो जब स्टार्टिंग में बात की थी ना एनिमल के ऊपर, ये मैंने तब भी कहा था कि वो बॉबी देओल इतनी हाइप मतलब कि क्यों है? वो बस... तो इतना इनसिग्निफिकेंट कैरेक्टर है, वी डू नॉट इवन सी हिम प्लानिंग एवरीथिंग, हमें बस बताया जा रहा है। इतना तो अगेंस्ट मेन्यू में, पर हाँ बता। अरे तू ऐसे देख, तुम्हारी फिल्म का मेन विलन है, तुम्हारी फिल्म का प्रोटैगनिस्ट, तुम्हारी फिल्म का प्रोटैगनिस्ट फिल्म के हर सीन में, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन हीरो। तो बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है वो टेक्निकली मेन विलन है हमारा। जितनी भी अजीज की प्लानिंग दिखाई है कि वो उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा रहा है, उसने उसके बैकग्राउंड रिसर्च करी है रणवीर जी के बारे में, उसके बाद उसके प्लास्टिक सर्जरी, हमें कुछ दिखाया ही नहीं है, हमें कुछ रिलेटिव, अरे हमें ये तक नहीं दिखाया कि भैया उसके नाना उसके सामने, उसके दादा उसके सामने आग लगा दी, ये तो कम से कम ऐसा तो सीन दिखाओ, मुझे कुछ फील तो हो अगले के लिए। और अभी अभी हाल ही में राजीव और चंचल मतलब चंचल भी देख रहे थे जब नेटफ्लिक्स पे आई थी, उसी दिन मैं जब राजीव के साथ रिकॉर्ड करने गया था, तो जब वो सरदार जी वाला सीन चल रहा था उस टाइम पे कि वो गैंग है वहाँ पे तृप्ति दीमरी के साथ लगा हुआ है, तो फिर वो सरदार जी खड़े हुए थे तो वो बातें करते कर रहे थे, मैं उस टाइम पे सोच रहा हूँ कि क्यों है यहाँ इस जगह पे कि ये मैं उन दोनों को भी ये बात कही थी कि ये बंदे मतलब कि रणबीर कपूर उनके गाँव गया, कहानी सुनाई, मिला नहीं है कभी भी, कोई कनेक्शन नहीं है, और ये इसके साथ आ गए,
मतलब मैं सरदार जी को देख पा रहा था कि मतलब ठीक है फाइन में जब बॉबी और रणबीर भी लड़ रहे थे आई फेल्ट नथिंग आई डिड नॉट इवन फील कि इनमें से कोई मर भी जाएगा तो क्या नहीं नहीं सीन तो भाई रहा ओवरऑल तो मुझे पसंद आई थी मूवी वैसे बट थोड़ी बहुत कमी लगी थी मुझे पर मुझे लगता है अगले पार्ट में ये सारे पीसेस को अगर वो देयर इज अ गुड फिल्म देयर देयर इज अ गुड फिल्म देयर इट जस्ट लॉस्ट इन दी अगले पार्ट में मुझे तो लगता है कि कर देंगे देयर आर सम एक्चुअली गुड पीसेस जो एक्चुअल में अच्छे से काट कूट के बनाए थे बढ़िया बनाते हैं पर मैं ये तेरे को जरूर कहना चाहूंगा उस फिल्म का ट्रेलर बहुत अच्छा काटा है ना इट इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेलर्स आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ इवन इन हॉलीवुड बहुत अच्छा ट्रेलर काटा है भाई बहुत अच्छा सेकंड पार्ट सही में आग उतेगा तो ये बता तुझे रील्स पे सबसे ज्यादा न्यू इन्फॉर्मेशन कोई मिली क्या हाल ही में मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है इंस्टाग्राम पर जीवन में मिल रही है कुछ इन्फॉर्मेशन ट्विटर पे जाता हूँ मैं इन्फॉर्मेशन के लिए क्या मिल रहा है ऐसी मतलब कुछ केसेस वगैरह में पढ़ रहा था कुछ बकचोदियाँ चल रही है दुनिया में तुझे कुछ मिला क्या बहुत हाँ बता मैंने राजीव के साथ भी रिकॉर्ड किया था बट हो नहीं पाया वो ऑडियो बात तुझे बताना चाहूँगा ये बता हम जैसे और उस दिन हम पब्लिक टॉयलेट्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे फिर वो उसके ऊपर आ गया भागने के स्टाइल के ऊपर तो फिर हमारे पास जैसे इंग्लिश में आगे तो बस बैठ के रखते हैं कोई कोई तो पैर रख के ऊपर हग लेता है पैर तेरा उन पे क्या ख्याल है जैसे इंग्लिश सीट पे कमोड के ऊपर पैर रख लिया अल्थी पलोथी मार ली हाँ मतलब कि वो ऐसे बैठते हैं ना चेयर पे जैसे इंग्लिश स्पोर्ट होता है वो उस पे ऐसे बैठते हैं टट्टी एक फुट की जगह दो फुट से गिर रही है अब ये सोच कि वो जब लहंगा नीचे गिर रहा है जब वो नीचे गिर रहा है तो वो कितना पानी फेंक रहा है हाँ तो उसे तेरे को पता है उसके लिए स्पेसिफिक टर्म है क्या वो जो पानी अगर आपके पिछवाड़े पर नहीं तो पोसाइडन्स किस पोसाइडन्स किस वो एक रील भी तो वो पता नहीं एक वीडियो है ना वो पानी का चुम्मा सा बनता है देयर इज एक्चुअली टर्म फॉर दैट पोसाइडन्स किस कहते हैं पोसाइडन्स पोसाइडन्स किस तो तुम्हारी पानी का राजा था ना हकते वक्त पानी जो के छींटे लगे चूतड़ पे पोसाइडन्स किस पोसाइडन्स किस क्या ख्याल है तेरा उन पर्वती के लोगों जो ये ऊपर करके कोई ख्याल नहीं है किसी दिन कमोड टूटेगा गिरेगा वैंचो दौर क्या पर मतलब क्यों कर रही है तो थोड़ा साइको बिहेवियर है मेरे ख्याल से उन्हें लगता है ये सीट ना गंदी है अरे तो भाई इससे अच्छा तो फिर हिंदी वॉशरूम ढूंढो ना फिर होता नहीं है ना ज्यादातर अब ऑफिस में है नहीं यार ऐसा हो गया क्या बात मतलब बहुत जगह नहीं होता एमएनसीज में अब एक भी नहीं होता हिंदी वॉशरूम सीरियसली बिल्कुल इरेडिकेट कर रहे हैं हमारी यस यार प्रतीक इसके लिए भी आवाज उठानी चाहिए हमें यस हमें इसके लिए भी आवाज उठानी चाहिए यस और हमारा हिंदी पे हगने के दो स्टाइल हैं मतलब धोने के कि जब हम हकते हैं तो फिर धोने के दो स्टाइल है एक आगे से एक पीछे से ठीक है मुझे हाल ही में पता लगा उनका दो नाम भी है क्या अगर हम आगे से ऐसे धो रहे हैं जैसे पानी यहाँ से मग्गे से भर के आगे से ऐसे धो रहे हैं इसे कहते हैं एक्शन करने की जरूरत नहीं है इसे कहते हैं एलिफेंट स्टाइल हाँ क्योंकि वो सूंड जा रही है ना ऐसे आई नो और जो पीछे से धोते हैं उसे कहते हैं हॉर्स टेल जिस दिन मुझे ये देखा मैंने कहा वाह इंग्लिश नाम है हमारे पास धोने के भाई इतना अच्छा लगा मुझे कि यार और सेंस भी है पूरी की पूरी हाँ? वाह तो ये तूने देखा नहीं जैसे गाय भैंस तू सपोर्टी करती है तो उसके बाद पूछ ऐसे ऐसे कर लेती है अरे अच्छा गाय भैंस हल्का हल्का रह जाता और क्या वाइपर है उनका ऐसे ऐसे हिलाती है अपनी पूछ वाइब्रेट करती देखा ना और पता है मैं ऑफिस में इंग्लिश बोर्ड पे कैसे अपना कार्यक्रम स्टार्ट करता हूँ ऑफिस में बताने की जरूरत नहीं तुझे बस ऐसे इंग्लिश अगर मैं बाहर पब्लिक प्लेसेस पे हूँ अगर टिश्यू रोल रखा है तो वेल एंड गुड नहीं तो मेरे वॉलेट में या फिर एक ना एक दो टिश्यू रहते हैं तो उन्हें बिछाऊंगा लाइन में शूँ दो पीछे की तरफ दो साइड की तरफ तो सैनिटाइजर रखना अपने साथ और उसे साफ करूँ वहाँ बैठ के हैं प्रे कर ले उससे अच्छा और क्या उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं वैसे तो मैं पब्लिकली तो हिंदी प्रिफर करता हूँ हाँ पब्लिकली तो हिंदी होता है भाई सबसे बढ़िया मैं मजाक सबसे साफ सबसे बढ़िया सबसे साफ और उसमें ज्यादा गंदगी भी नहीं है भाई गंदगी हो तो झेली जाएगी हाँ वो पोर्ट गंदा हो सकता है पर तुम्हें कुछ ऐसे टच नहीं हुए हाँ और तुम इंग्लिश यूज भी नहीं कर सकते हाँ कितनी बार डिस्कशन कर चुका हूँ मैं ये बात
इनके साथ, राजीव के साथ, तेरे साथ, हगने पे डिस्कशन करता रहता हूँ क्या मैं? करना चाहता था ना मैं, ये लाइव नहीं हो पाया आज तक डिस्कशन मेरा। वैसे तो मतलब जो हिंदी पोज है हमारा वो वैसे साइंटिफिकली भी काफी एक्यूरेट है पॉटी करने के लिए। वही उसमें अंतड़िया ऐसे पोजीशन में होती है कि बहुत अच्छे से आपका पेट साफ होएगा, पता जी। पर ज्यादा देर तक बैठ के हग नहीं सकते, मतलब मोबाइल नहीं चला पाते, वो पैर सुन पड़ जाते हैं। करने के लिए है, मोबाइल चलाने के लिए नहीं बैठे हो आप। पर ये बात सही है, पर एक स्पेशल स्पेस नहीं बन गया है वॉशरूम कि तुम बैठे हो 10-15, तू तो बैठता नहीं है खैर, पर फिर भी, पर तू यहाँ आता है तो तू बैठता है क्योंकि मेरे पास वो है ना। हाँ, क्योंकि अब तुम ऑप्शन मिल गया, अब तुम आराम से बैठे हो एक कमरे में, अपने गाने बज रहे हैं नीचे से, बढ़िया शांति मिल रही है, चल रहा है भाई, रीले चल रही है, बढ़िया मजा आ रहा है, एक अच्छा। मेरा तो कभी कभी ऐसे होता है, शायद कल की भी अभी आ जाए इसलिए बैठा हूँ। पर मजे आ रहे होते हैं ना। हाँ मतलब यहाँ अच्छा है, बट ये मैंने एक रील देखी थी, अब रील यार बहन से बहुत देख रहा हूँ लगता है, रील देखी थी उसमें उतारते कि ज्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए क्योंकि वो जम्स वगैरह। हाँ। फिर मैंने कम कर दिया उस दिन के बाद बैठना। ये मेरा रील वाले चूतिया ना बना रहे हो। नहीं नहीं चूतिया नहीं। मैं तेरे को एक एक्सपेरिमेंट भेजूंगा, फिर तेरे को शायद ऐसा हो जाएगा कि तू 5 मिनट भी नहीं बैठेगा इंग्लिश वाले। नहीं भेज मत दियो प्लीज। उसमें वो उन्होंने ना इंफ्रारेड वाले से मैं तो ये मानता हूँ अगर मैंने डॉक्टर से नहीं पूछा कि मुझे बीमारी नहीं है तो मैं वो मुझे बीमारी नहीं और है। पता नहीं उसमें तो शायद ये भी लिखा हुआ था कि कैप लेट बंद करके हमेशा करना चाहिए फ्लश। वो जर्म्स हवा में उड़ रहे होते हैं तुम्हारे मुंह में घुस रहे हैं। हाँ, और अभी क्या होता है, सर्दियाँ हो रही है, अब मैं पोर्ट में सुसु कर रहा हूँ, ठीक है, वो भाप निकल रही है, तब जो बोट में से भाप ऊपर आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि मुंह में ही जम्स आ रहे हैं सारे सारे, वो भाप सारा सारा ऊपर आ रहा है। सूसी में थोड़ी जम्स होते हैं। फिर मैं पता क्या कर रहा होता हूँ, करता करता एक दिन पता है अभी ऐसी क्या हुआ, जैसे तुम लोगों ने रॉड लगाते हो तो रॉड में ऐसे लगी नहीं हुई थी तो मैं सूसू कर रहा तो ऐसे धुआं आ रहा, ठंड इतनी हो रही, मुझे लगा पानी लगा हुआ भाई रोड लगी, धुआं कहाँ से आ रहा भाई, अच्छा रोड नहीं लगी हुई थी बात, उन्हें तो सोना बात चला रखा था अपने नुन्नू के लिए। तो भाई बहुत लड़कियां नहीं देख पाती होंगी। लड़कियां प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब क्या उठ उठ के थोड़ी देखेंगी। पर सही है यार, मतलब मेरे को नहीं समझ में आता लोग ऐसे चीप डिस्कशंस क्यों बोलते हैं। सर वेरी गुड हेल्दी डिस्कशंस। हाँ डेली रिलेटेबल तो है ही, तुम भी हग रहे हो, मैं भी हग रहा हूँ, लाइफ का पार्ट है, इंटेग्रल पार्ट है। यस, क्या पता तुम भी फूक से धुआं नीचे करो। भाई लोगों की टट्टी फंस जाती है तो तेल डाल के निकालनी पड़ती है हाथ डाल के। सपना देखना क्यों जरूरी है तेरे हिसाब से? सपना देखना क्यों जरूरी है या फिर सपने देखने चाहिए? सपना देखना सही, देखने चाहिए भाई। हमारी सबकॉन्शियस का नंबर वन रीजन है वो, कि वो बताती है हमें क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए। और सपने वो वाला कि तुम्हें कोई गोल अचीव करना है, ये तुम्हारा सपना है ये पाना, वो वाला सपना कि मैं ये करना चाहता हूँ। अच्छा एम्बिशन की बात कर रहा है मैं तो। हाँ नहीं नहीं कोई नहीं, दोनों दोनों। हाँ वो भी सही है। हाँ एम्बिशन, हाँ एम्बिशन होना चाहिए। पर मैं वो भी समझता हूँ कि कुछ लोगों के एम्बिशन नहीं होते, वो अपनी 9 to 5 की जिंदगी में बहुत खुश है, आई अंडरस्टैंड ऑल्सो। पर एम्बिशन आपको एक बहुत ही लाइफ का टफ पार्ट सिखाता, आपको ग्रो करने में बहुत मदद करता है। क्योंकि एम्बिशन ही आपको बताता है कि आप किसी चीज़ के लिए किस हद तक जा सकते, मतलब आपको आपका मापदंड पता चलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ किसी चीज़ के लिए। और अगर मेरा ये मानना है कि अगर तुम सपने देख रहे हो और उसे अचीव करने की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो तुम उसे अचीव करने के रास्ते में भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी अचीव कर लेते हो जो तुमने सोचा भी नहीं हाँ। कि तुम ये अचीव कर सकते हो, और वो भी नहीं अचीव करते तो तुम बहुत कुछ सीखते हो जो तुमने कहा, तुम्हें मापदंड पता लगता है कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, क्या पता तुम किस और डायरेक्शन में चले जाओ। तो सपने देखना बहुत ज़रूरी है। जरूरी तो नहीं कहूंगा मैं, बट नहीं हाँ, मेरे ख्याल से तो है। नहीं जरूरी तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि मतलब फिर तू यही बोल देगा कि 9 to 5 वाली है, क्योंकि है ऐसे बहुत ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं प्रतीक जो तू क्या नहीं। हाँ बिल्कुल है, अल्टीमेटली खुश रहना ही वो है कि ना, मेरे एम्बिशन ने मुझे एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया जहां मैंने अपने आप को ये बोला कि काश कोई एम्बिशन होता ही नहीं। कि अच्छा उसे पाने की चाह में वो पा ही नहीं पा रहे, गांडी मरी पड़ी है भाई साहब, कि ऐसे अच्छा तो ऐसा कुछ होता ही नहीं यार, अपना मस्त किसी भी चीज में इंटरेस्ट होता ही नहीं बहन, किसी भी चीज के लिए ऐसे पैशनेट होते ही होता नहीं है। आप एक मोमेंट आता है आप ऐसे हो जाते हो यार आपको कि बस यार अब सब छोड़ देता हूं, उस चीज से नफरत होने लगती है और आप वही चीज जो जिसने आपको बनाया है आपको उसी से नफरत होने लगती है कि अब बस बैठ जाता हूं, अब ये सब छोड़ देता हूं, अब बस रुक जाता हूं। ओ भाई सही है, दिस इज व्हाई आई से कुछ ना कुछ अचीव करने की राह में हम अपने आप को खो देते हैं, बट स्टिल यार। पर फिर वही तो, अगर हम इससे निकल गए
निकलना जरूरी नहीं है प्रतीक, मैंने तेरे को कहा ना, आप जिंदगी भर अपना एम्बिशन अपने दिल में लेके घूम सकते हो अगर तुम्हारे में हिम्मत है। हैप्पीनेस इज अ डिसीजन, सही कहता है एनिमल में वो, इट इज अ डिसीजन, इट्स नॉट कि आएगा नहीं कोई या कोई करेगा नहीं, इट्स अ डिसीजन। पर एक कोई चार रोटी में भी खुश रह रहा है, कोई एक रोटी में भी खुश रह रहा है, बिल्कुल सही बात है। पर एक एडवेंचर भी तो है, मजे भी तो आते हैं, बिल्कुल इसके पल्स भी तो है ना, बिल्कुल तुम्हारे सपने पूरे होंगे जो तुमने देखे हैं। अगर वेलेन, अगर तुम्हारे सपने पूरे हो रहे हैं तो भाई ऑब्वियसली तुमसे ज्यादा खुश इंसान कभी नहीं होगा कोई पृथ्वी भाई। और उससे भी अगर तुम्हें ज्यादा खुश इंसान देखना तो अपने माँ बाप को देखो यार, फिर उनसे ज्यादा खुश तो कोई नहीं हो सकता भाई, तुमसे भी ज्यादा शायद खुश होंगे वो। तो अगर तुम वो है ना कि अगर आपको पता है कि आपका एम्बिशन किन किन लोगों के लिए है, अगर उसका एक पर्पस है, जैसे मनोज का पर्पस था कि उसे अपनी फैमिली बेटर करनी थी, उसे अपनी सिचुएशन बेटर करनी, ट्वेल्थ फेल का रेफरेंस है ये, तो अगर वो इस तरह का एम्बिशन है तो ऑब्वियसली गाइज, मतलब वो एम्बिशन भी नहीं है, वो डिटर्मिनेशन है कि तुम्हें बस करना ही करना, बस करना ही। ओ भाई पर मजेदार, पर हाँ वो भी सही है कि खुश रहना अल्टीमेट गोल है। अल्टीमेटली तुम ऐसे देखो कि सपने जरूरी, मतलब सपने करना जरूरी नहीं है, मतलब पूरे करना जरूरी नहीं है, उनके लिए ट्राई करते रहना जरूरी, ट्राई करना कभी मत छोड़। तुम में से निराश मत हो यार कि अगर 10 साल लग गए, 12 साल लग गए, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो थोड़े टाइम के लिए, पर उसे कभी छोड़ो मत, क्योंकि वही एक चीज़ है जिसने तुमको वो बनाया जो तुम हो। आगे चल के हमें उस पे और इस पे और कितनी डीपली बात कर पाएंगे, बिल्कुल ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है, होती सपने अचीव करके मिलेंगे इस टॉपिक पे। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, कुछ कहना चाहता है क्या तुम ऐसे? हाँ अपने सपनों के लिए प्लीज, कानून वाला वेंचर, और अगर अपने नहीं तो अगर तुम्हारे पास पावर है कि तुम दूसरों के कर सकते हो तो प्लीज। वाह चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब मत करना, बाय गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कर देना।